Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में और मैं शुभम अग्रवाल आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों DFCCIL का स्पेशल जीके जीएस डेली दोपहर में 3:30 बजे हम लोग मिलते हैं दोस्तों। काफी दिन से मिल रहे हैं और काफी सेशंस मैंने आपके सामने किए हैं जो कि DFCCIL के जीके के लिए थे। और दोस्तों आज का ये स्पेशल सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं जिसमें DFCCIL का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग करेंगे डिस्कस दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने डिस्कस कराऊंगा दोस्तों पूरे सॉल्यूशन के साथ। जी हां, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है हमारा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का मकसद केवल यही है कि आपको पैटर्न समझ में आए, आपको लेवल समझ में आए और आपको समझ में आए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और कितने डीप क्वेश्चन बनते हैं या कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये हमें समझ में आता है प्रीवियस ईयर के पेपर को करने से। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का 2018 का पेपर DFCCIL का, तो वहीं से सारे क्वेश्चन लोग करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। सभी के मुझे कॉमेंट यहां मिल रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव जी, अनुराग जी, अरुण केशव जी, कीर्ति माहेश्वरी, सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं, आप सभी लोग बने रहे। चलिए तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इन विच स्टेट डज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूरेनियम माइंस एग्जिस्ट एज ऑफ द सितंबर 2018, यानी 2018 तक यूरेनियम की सबसे ज्यादा खदानें किस राज्य में मौजूद हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में। क्या है इसका आंसर? यूरेनियम की सबसे अधिक खदानें कौन से प्रदेश में हैं, यह आपको बताना है। जी जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग। जी 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 बिल्कुल, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, तेजी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से हमें समझ में आता है कि हमारे एग्जाम में माइनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आएंगे। कोयले की माइनिंग कहां होती है, यूरेनियम कहां होती है, लोहे की माइनिंग कहां होती है, कहां कहां पे खदानें हैं, इन सबको हमें याद करना होगा। तो सही आंसर की दोस्तों बात करें, सही आंसर यहां पे है झारखंड। झारखंड में ही है यूरेनियम की सबसे ज्यादा खदानें। तो दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ दो ही है जो मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है, झारखंड और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, यहां पर सर्वाधिक जो है वो खनिज पाया जाता है दोस्तों। झारखंड में है यूरेनियम की सबसे ज्यादा क्लास, ठीक है। बिल्कुल अरुण केशव जी, आज 3:30 बजे हम लोग फिर मिलने वाले हैं और आज मैं वहां पर रेलवे का जीके आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान ने भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में खोला? क्या तेलंगाना में, बिहार में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? भारत की पहली रेलवे जो यूनिवर्सिटी है वो कहां खोली गई? अनुराग जी और तेजस फाइटर, आप दोनों के आंसर मुझे मिले हैं, बहुत तेजी से मिले। सभी के आंसर यहां पे हैं गुजरात, गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर मेरे भाई गुजरात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुजरात में ही भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है दोस्तों, याद करिएगा, ठीक है ना। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात में ही खोला गया है, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने बताया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्स इंडियाज पोजीशन इन द इंक्लूसिव ग्रोथ इंडेक्स ऑफ 74 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018, यानी 2018 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 74 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 2018 में विश्व आर्थिक मंच ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की एक सूची जारी की थी, उसमें भारत का स्थान कौन सा था, भारत कौन से नंबर पर था उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में? सही आंसर दिया है, सही आंसर देखिए दोस्तों यहां पर है 62वां, बिल्कुल सही, 62nd प्लेस था भारत का उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, यानी भारत से आगे 61 अर्थव्यवस्थाएं और भी हैं जो उभर रही हैं और भारत 62वें नंबर की उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व में। बड़े दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इन द सेरेमनी हेल्ड इन मलेशिया इन सितंबर 18, विच स्टेट टूरिज्म हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टीजियस गोल्ड अवार्ड ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन फॉर इट्स एक्टिंग मेंटरशिप कैंपेन, यानी मलेशिया में सितंबर 2018 में आयोजित एक समारोह में किस राज्य पर्यटन को अपने अभिनय विपणन अभियान के लिए प्रशांत एशिया यात्रा एसोसिएशन का 2 प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए,
यानी पाटा गोल्ड अवार्ड पर पाटा जो अवार्ड है पैसिफिक एशिया ट्रेवल का, ये किसको दिया गया था 2018 में अपने ट्रेवल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, स्टेट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जी कुमार दीपक जी, तेजस फाइटर जी और अरुण केशव जी, अनुराग श्रीवास्तव, आप सभी के मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों दे रहे हैं। सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाता है केरल, केरल को ही मिला था पाटा अवार्ड 2018 में। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी लोगों ने, केरल इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का किससे संबंधित है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, यानी आर्टिकल 40 फंडामेंटल राइट, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, या अनुच्छेद 45 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, क्या अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 48 ए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इनमें से कौन सा एक होगा सही, अनुच्छेद 40 जो है क्या वो मौलिक कर्तव्यों का है, अनुच्छेद 45 जो है वो समान नागरिक संहिता का है, क्या कौन सा एक ऑप्शन सही है, बताएं तेजी से, तेजी से बताइए। सुंदर 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 आंसर, सुंदर आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से शामिल है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाकी इनमें से बाकी चीजें सही नहीं है, बाकी सही आंसर जो है वो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल सही गौरव सिंह जी, बढ़िया आंसर। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, क्या वो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर वो राजस्थान है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर राजस्थान। अमित कुमार जी, अरुण केशव जी, अनुराग जी, अजय कुमार सिंह जी, विद्या त्रिवेदी जी, सतीश कुमार, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं, गौरव सिंह जी, कुमार दीपक जी, सभी के मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं। कौन सा राज्य है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर राजस्थान, बताएं तेजी से। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य दोस्तों वो हमारा तमिलनाडु ही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी लोगों ने। गुजरात के सही आंसर नहीं है, सही आंसर जो है उत्कर्ष अवस्थी थी, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है ना, तमिलनाडु सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे, अगले क्वेश्चन की ओर, इन विच स्टेट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम, यानी स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार ने किस राज्य में पहली जनजातीय सर्किट परियोजना शुरू की है, क्या वो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर बिहार है, बताएं जल्दी से, कौन से प्रदेश में भारत सरकार ने पहली जनजातीय सर्किट परियोजना शुरू की है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। स्वदेश दर्शन योजना है जिसमें भारत सरकार अपने देश में स्थित जो भी देखने लायक स्थान है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, या फिर सांस्कृतिक हो, उन सभी के लिए एक योजना बनाई है जिसमें सभी लोगों को घुमाया जाएगा, तो उसी में से पहली है जनजातीय सर्किट परियोजना, ये कौन से राज्य में शुरू की गई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखेंगे, सही आंसर देखेंगे दोस्तों, सही आंसर है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही आंसर दिया अजय कुमार सिंह जी, बहुत बढ़िया, अजय कुमार सिंह जी और उत्कर्ष अवस्थी जी दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अरुण केशव और अनुराग श्रीवास्तव आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला देखिए, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज, यानी परावर्तन के बाद पृष्ठ से वापस आने वाली किरण को क्या कहा जाता है। ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पर कोई ये सूर्य की किरण आई है और यहां से ये वापस जा रही है, तो इस परावर्तित किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन के बाद जो पहुंचती है इस किरण को कहते हैं, क्या परावर्तित किरण कहते हैं, क्या एक्स किरण कहते हैं, आपतित कहते हैं, या विपरीत कहते हैं। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शारदा वाघमारे जी, अमित कुमार जी, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं, विद्या त्रिवेदी, अरुण केशव, कुमार दीपक, सही आंसर, सही आंसर दोस्तों है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, परावर्तित किरण कहते हैं भाई, सिंपल सी बात है, जो रिफ्लेक्शन करके जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे ही कहलाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन बॉक्सर कैन विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 80, यानी 2018 के एशियाई खेलों में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था, किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में 2018 में, मनोज कुमार, अमित पंघाल, गौरव सोलंकी, या फिर शिव थापा ने।
किसने जीता था स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में 2018 में? मनोज कुमार, अमित पंघाल, गौरव सोलंकी या फिर शिव थापा ने? बताएं तेजी से मुझे इसका आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है, सही आंसर है दोस्तों अमित पंघाल। अमित पंघाल बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ठीक है ना। अरुण केशव जी बिल्कुल सही बताया आपने, अमित पंघाल। और अनुराग श्रीवास्तव, कुमार दीपक जी, आप सभी ने भी सही आंसर बताया है, अमित पंघाल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अमित पंघाल ने जीता था गोल्ड मेडल 2018 के एशियाई खेलों में, सही आंसर दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है? सबसे पहला, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी क्या? नंदिनी सतपथी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी क्या? शशिकला काकोलकर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी क्या? या जानकी रामचंद्रन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन सा यहां पर आंसर होगा सही दोस्तों? तेजी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दें मुझे। सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सही आंसर आ रहा सभी का, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा सभी का, बढ़िया। सही आंसर देखते हैं दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, सुचेता कृपलानी जो थी यही उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क व्हाट इज द चार्ज ट्रेडिशनली कॉल्ड? यानी जब कांच की एक छड़ को रेशम छड़ पर रगड़ा जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त आवेश को क्या कहा जाता है? कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाएगा तो जो चार्ज उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तेजी से इसका आंसर बताइए, क्या धनात्मक चार्ज होगा, वो ऋणात्मक होगा, न्यूट्रल होगा या नेचुरल होगा? जब कांच को रेशम की छड़ पर रगड़ा जाएगा तो कौन सा चार्ज होगा जनरेट, नेगेटिव, पॉजिटिव या कौन सा? जॉब अलर्ट विद रोहित, अमित कुमार, लोकल वोकल, अरुण केशव, कुमार दीपक, सभी के मुझे आंसर मिल रहा है यहां पर। शारदा वाघमारे, तेजस फाइटर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सही आंसर यहां पे धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर वन, पॉजिटिव चार्ज होता है जनरेट जब कांच को रगड़ा जाता है रेशम की छड़ पर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, और आपके लिए यहां पर है जबरदस्त ऑफर, माई प्रिपरेशन मैडनेस, यहां पर एक ऑफर चल रहा है दोस्तों, जो DFCCIL का नॉन टेक लाइव कोचिंग बैच हमारे टेक्सटबुक पर चल रहा है, जिसकी कीमत थी पहले 5,999, वो अभी आपको 65% के फ्लैट ऑफ पर मिल रहा है मात्र 2,099 में। दोस्तों घर पर रहो, पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो और सफल होते रहो, ये उद्देश्य है textbook.com का, और इसी के लिए आपके लिए लगातार जबरदस्त सरप्राइजेस हमको लेकर आए जा रहे हैं। DFCCIL का जो बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है, जिसमें आपको मिल जाते हैं 180 से भी ज्यादा मेरे भाई लाइव क्लास आपको मिलते हैं, और भी तमाम तरह की सुविधाएं उस बैच मिलती है, तो वो आपको अब मिल रहा है डिस्काउंटेड रेट पर मात्र 2,099 रुपए में, 65% के ऑफ पर। अगर देखें बच्चों की उस बैच में हमको क्या क्या मिलेगा, तो मैंने पहले ही बताया है कि उस बैच में आपको 180 से भी ज्यादा मिलेंगी लाइव क्लासेस, 30 से भी ज्यादा मिलेंगे टेस्ट, और 4,000 से भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन को हमारी टीम ने प्रिपेयर कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर दिलाएंगे मेरे भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद DFCCIL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को छांटा है, चुना है, जो आपको हम लोग देने वाले हैं। तो मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, समंदर में से मोतियों को चुनने का काम हमारा है, और हमसे वो मोती लेने का काम आपका दोस्तों। सीधे मोती ले लीजिए, समंदर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगेगा उसमें ढूंढने में, इसलिए वो टाइम आपका बचा दिया है हमारी टीम ने, और आपके लिए मोतियों को इकट्ठा कर दिया है, उनको आप जरूर लेकर अपना फायदा कराएं दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बैच लेने के लिए बोलेंगे। साथ में एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो कि मैं रोज बताता हूं, कि इसके साथ साथ एक कोड है जो आपको और भी ज्यादा मजा देगा, और वो कोड है मेरा नाम SHUBHAMA। ये शुभम ए जो नाम दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये नाम मेरे भाई, ये कैसा नाम है जो आपके आनंद में चौगुनी वृद्धि कर देगा, क्योंकि जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, महंगाई डायन मार खात है, महंगाई डायन खाए जात है, इस मौके पर भी, इस माहौल में भी आपको ये कोड दिलाएगा 20% का डिस्काउंट। या दोस्तों महंगाई के जबरदस्त माहौल में भी आपको ये कोड दिला देगा 20% का डिस्काउंट। तो टेक्स्ट बुक पर आपके जो दोस्त या आप कोई भी कोर्स लेंगे, चाहे वो SSC का होगा, बैंक का होगा,
होगा, रेलवे का होगा, गेट का होगा, या पुलिस का होगा, या कोई मॉक टेस्ट ही होगा, कोई भी आप कोर्स लीजिए textbook.com पर और उसमें इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और देखिए जादू 20% का डिस्काउंट सीधे आपको मिल जाएगा दोस्तों, और साथ में आपका नाम जो है वो मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस कोड का इस्तेमाल दोस्तों करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस कोड की जानकारी नीचे आपको लाल पट्टी पर वीडियो में दिखाई दे रही होगी दोस्तों, वहां से भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर फुल मून डे द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर एवरी नाइट, ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, द डे इज नोन एज द, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार प्रत्येक रात पतला और पतला दिखाई देता है, 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? क्या अमावस्या चंद्र दिवस, पूर्णिमा दिवस, या फिर अर्ध चंद्र दिवस? तेजी से इसका आंसर बताइए, सभी लोग तेजी से इसका आंसर बताएंगे आप मुझे। सभी यहां पे कमेंट मिल रहे हैं, उत्कर्ष अवस्थी, कैंडी, अमित कुमार, कुमार दीपक, उत्कर्ष जी, शारदा वागमारे, अरुण केशव, सभी के मुझे यहां पे कमेंट मिल रहे हैं। लोकल वोकल, बढ़िया। तो आसान क्वेश्चन है ये, देखिए आसान क्वेश्चन है, आसान से आंसर होगा। अमावस्या कहते हैं हम लोग, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए, विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री हैज इंडियन कंडक्टेड अ 2-week ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इन उत्तराखंड सितंबर 2018, यानी सितंबर 2018 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास 2018, ये किस देश के साथ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास 2018, ये हमेशा उसी देश के साथ हम लोग आयोजित करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे मतलब पूछे कि संयुक्त अभ्यास जो होता है, जो युद्ध अभ्यास होता है, वो किस देश के साथ होता है, तो वो भी हमारा जो है वो यही आंसर होगा। आंसर बताइए, सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, सही आंसर मेरा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के साथ जो हमारा एक्साइज होता है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि बताइए कौन सा मिलिट्री अभ्यास है जो हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा युद्ध अभ्यास। या पूछेगा कि बताइए मिलिट्री एक्साइज युद्ध अभ्यास हम लोग कौन से देश के साथ करते हैं, तो वहां पर अमेरिका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनिता ठाकुर जी, माही सिंघानिया जी, शारदा जी, अनिता ठाकुर जी, सभी के मुझे कमेंट मिल रहे हैं, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The Indian Air Force has successfully carried out the first ever mid-air of the which of the following combat aircraft? यानी भारतीय वायुसेना ने निम्न में से कौन से लड़ाकू विमान में पहली बार हवा के माध्यम से ईंधन भरने में सफलता प्राप्त किया? यानी निम्न में से कौन से लड़ाकू विमान में हवा में ही ईंधन भरने में सफलता प्राप्त की है भारतीय सेना ने? बताइए इसका आंसर, सभी लोग इसका आंसर बताएं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों है तेजस, बहुत बढ़िया, तेजस इज द राइट आंसर। तेजस में ही हवा में ही ईंधन भरने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी, बहुत बढ़िया आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड कॉल्ड द राज, निम्न में से कौन सा भारत में इंडो ब्रिटिश वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है जिसे राज कहा जाता है? निम्न में से कौन इंडो ब्रिटिश वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है? क्या वो ब्रिटिश विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, क्या वो विक्टोरिया टर्मिनस है, क्या वो राष्ट्रपति भवन है, या फिर वो सेल्यूलर जेल है जिसे भारतीय और ब्रिटिश वास्तुकला का बिल्कुल नमूना कहा जाता है, पक्का वाला बताएं तेजी से, तेजस जी, अमित कुमार, अरुण केशव, उत्कर्ष जी, सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं, बहुत बड़े दोस्तों, बिल्कुल सही। तो सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। जी हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ही वो हॉल है जिसको सबसे अच्छा नमूना माना जाता है ब्रिटिश और इंडो वास्तुकला का दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, द डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एंड ऑब्जेक्ट्स कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज नोन एज, यानी वह उपकरण क्या है जिससे वस्तु के आवेश का पता लगता है कि वस्तु में आवेश है भी या नहीं, यानी वस्तु के अंदर कोई आवेश है या नहीं, कोई चार्ज है या नहीं, इसका पता लगाने वाला कौन सा हमारा टूल है? क्या वो स्टेथोस्कोप है, क्या वो कूलम्ब डिवाइस है, या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, या फिर इलेक्ट्रोस्कोप है? बता दीजिए तेजी से इसका आंसर, तेजी से इसका आंसर बताइए, क्या वो परिशावक है, कूलम्ब उपकरण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, या फिर इलेक्ट्रोस्कोप है? ठीक है, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, विद्युत दर्शी जो है वो सही आंसर है,
जिससे किसी भी वस्तु में चार्ज है या नहीं उसका पता लगाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बताएं मुझे, विच एयरपोर्ट विल बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द पेपरलेस एयर ट्रेवल इन द डोमेस्टिक पैसेंजर थ्रू बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। यानी कौन सा हवाई अड्डा भारत में पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से घरेलू यात्रियों के लिए पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। यानी पेपरलेस होगी तकनीक, पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, कौन सा वो अड्डा बन गया है? क्या वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है? क्या वो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का है? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद का? या फिर वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है? कौन सा है वो जो प्रोवाइड करेगा पेपरलेस हवाई यात्रा? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही पर जा रहे हैं, सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, यही वो हवाई अड्डा है जो प्रोवाइड करेगा पेपरलेस तकनीक। बिल्कुल सही आंसर दिया है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द होम डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विस स्कीम एज एन अटेम्प्ट टू क्लाइमेट करप्शन इन वेरियस पब्लिक डीलिंग ऑफिसर्स। यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास के रूप में सार्वजनिक सेवाओं की होम डिलीवरी की योजना शुरू की है? यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कहा कि जनता और योजनाओं के बीच में कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं आएगा, जिससे भ्रष्टाचार से निपटने में आसानी होगी? तो बताएं मुझे आप, कौन से प्रदेश ने शुरू की है सार्वजनिक सेवाओं की होम डिलीवरी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सही आंसर देंगे, सही आंसर है, ठीक है। देवेंद्र पाल जी, मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका, मैं तो हिंदी में ही बोलता हूं मेरे भाई, पूरा जो है वो मेरा हिंदी में ही बोलना रहता है, अधिकतर शब्द जो है मैं हिंदी में बोलता हूं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली। देखिए दिल्ली ने ही शुरू किया है, दिल्ली ने ही शुरू किया है सार्वजनिक सेवाओं की होम डिलीवरी योजना भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली। बड़े दोस्तों आगे, अगला देखिए, वेयर द फेमस एंड द इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री तवांग मॉनेस्ट्री लोकेटेड। यानी भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहां स्थित है? बताएं मुझे तेजी से, विच इज द फेमस एंड इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री तवांग मॉनेस्ट्री लोकेटेड। भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहां स्थित है? क्या वो अरुणाचल में है, असम में है, नागालैंड में है, या फिर वो मणिपुर में? बताएं तेजी से, सही आंसर बताएंगे सही लोग। आदर्श प्रजापति थी, अमित कुमार, कुमार दीपक, शारदा बागमारे, कैंडी, सभी लोग बताइए, डिंपल सिंपल, राजेश गुप्ता जी, अमित कुमार जी, जल्दी आइए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यही पर स्थित है हमारी तवांग मठ दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, निम्न में से किन राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सर्वाधिक लोकसभा सीटें कौन से राज्य में हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम या राजस्थान? कौन से राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम या फिर राजस्थान? बताएंगे तेजी से इसका आंसर, बताइए तेजी से, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल 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 सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इन चारों से सबसे ज्यादा सीटें हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी में दोस्तों, ठीक है ना, यूपी की सीटें जो है वो सबसे ज्यादा है, 80 सीटें, ठीक है, यूपी में जो टोटल है वो 80 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा की, ठीक है ना, सर्वाधिक कहां पे है? यूपी में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटोज इन इंडिया 1718। 2017-18 में टमाटर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य था? बताएं तेरी से, बढ़िया 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 आंसर, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, मध्य प्रदेश कह रहे हैं, सही आंसर दीजिए इसका, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सही आंसर है मेरे भाई आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने, कुछ लोग के आंसर गलत हुए लेकिन बाकी सबने सही आंसर दिया है। प्रशांत सिंधिया जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। कैंडी जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। दिनेश डिंपल सिंपल, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है।
आंध्र प्रदेश सही आंसर है, बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, शारदा बागमारे बिल्कुल सही आंसर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताएं मुझे गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष किए गए थे हस्ताक्षर, 1942 में, 35 में, 31 में या फिर 21 में? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, 1942 में, 35 में, 31 में या फिर 1921 में? बताएं तेजी से दोस्तों, कब किए गए थे हस्ताक्षर गांधी इरविन समझौते पर? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों है 1931। देखिए 1931 में ही हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ध्यान रखिएगा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन कौन नहीं है? क्या जीएसटी मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? क्या बैंक दर मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? क्या सांवैधानिक चलनिधि अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? या फिर कैश रिजर्व रेशियो मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? कौन सा ऐसा है जो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल नहीं है? तो आसान क्वेश्चन है इसका, हम सभी को साफ साफ दिख ही रहा है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन वस्तु एवं सेवा कर, ये कोई टूल नहीं है बल्कि एक टैक्स है, ठीक है। बाकी सब जो है वो टूल है, लेकिन जीएसटी जो है वो क्या है, एक टैक्स है, एक टूल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पास थ्रू द इंडियन मेनलैंड, यानी निम्न में से कौन सी भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा? निम्न में से कौन सी है जो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है दोस्तों? तेजी से बताइए, सभी का आंसर सही आ रहा है। शंकर भाई, लोकल वोकल, सभी का आंसर आ रहा सही। शारदा जी, अमोल जी, बहुत बड़े दोस्तों, शशिधर जी, शंकर भाई, प्रसाद शिंदे, सभी के आंसर यहां पे सही मिल रहे हैं मुझे। कुमार दीपक जी, प्रशांत सोडी जी, उमेश चंद्रा, बहुत ही बढ़िया, हरिवर्धन जी, चलिए देखते हैं सही आंसर, देखते हैं सही आंसर यहां पे क्या होगा। सही आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों ओनली टू, यानी केवल दूसरा जो है ये भारत की भूमि से गुजरता है दोस्तों। मैं आपको समझा देता हूं एक बार, ये अगर मान लीजिए अपना पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहां पे कहीं पे देखिए भारत देश है, ठीक है। तो भारत देश में है क्या, जरा एक बार समझिए, ये अपना भारत देश में बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। असलियत में काफी सुंदर है, लेकिन जितना बना पाता हूं बनाता हूं, देखिए वैसे असलियत में भारत देश बहुत सुंदर है, ये कुछ इस तरह का अपना भारत देश है, ठीक है ना। अब देखिए यहां बीच में से जो गुजरती है लाइन, बीच में से ये वाली लाइन, ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। और भूमध्य रेखा कहीं नीचे से गुजरती है, यहां कहीं से आती है भूमध्य रेखा, अपनी नीचे भूमध्य रेखा जो है वो नीचे आती है, लेकिन जो कर्क रेखा है वो हमारी आठ प्रदेशों में से होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है ना। कुल मिला के आठ प्रदेश हैं जिनमें से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, तो यही भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग फॉर बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट, यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है दोस्तों? अब ये बताइए कौन से अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक कराई जाती है, बताएं देरी से कौन सा वो अनुच्छेद है, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कौन से अनुच्छेद से कराई जाती है संयुक्त बैठक? तो सही आंसर की बात करें, सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 108, यानी अनुच्छेद 108 के द्वारा ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है वो हमारा क्या करता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है। ध्यान रखिए, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, और अध्यक्ष कौन होगा मेरे भाई, अध्यक्ष होता है इसका लोकसभा का सभापति, जो हमारा लोकसभा का सभापति होगा, लोकसभा का जो सभापति होगा वही इसका होता है अध्यक्ष, और इसे बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का सभापति, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ द, यानी एक राज्य का शिक्षा मंत्री का नियुक्ति जो है वो किसकी सलाह पर की जाती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री,
राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। एक राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर दीजिए तेजी से, किसके द्वारा की जाती है राज्य में शिक्षा मंत्री की नियुक्ति? ठीक है, देखते हैं, देखते हैं सही आंसर दोस्तों, देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है यहां पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बिल्कुल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है नियुक्ति राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री की। बिल्कुल सही बात, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नेम इन ब्रीफ ऑफ द न्यू अम्ब्रेला स्कीम एम्ड एट इंश्योरिंग द रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई अम्ब्रेला योजना का संक्षेप नाम क्या है? किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी, अम्ब्रेला योजना, उसी की एक छोटे रूप क्या है, उसी का छोटा फॉर्म क्या है दोस्तों? क्या पीएम सद्भाव योजना, पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री न्याय योजना, या पीएम समता योजना? अम्ब्रेला योजना का ही छोटा नाम क्या है बताएं तेजी से। बिल्कुल 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 जबरदस्त, सही आंसर देखिए, सही आंसर इसका होगा पीएम आशा। बिल्कुल सही बताया तेजस फाइटर और शशिधर जी, शशिधर जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, पीएम आशा। इसका नाम है पीएम आशा, जो अम्ब्रेला योजना की संक्षेप है वो पीएम आशा योजना ही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू मर्ज देना बैंक एंड विजया बैंक अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, यानी भारत सरकार ने किस बैंक के साथ देना बैंक और विजया बैंक को मिलाने का फैसला किया है? यानी निम्न में से किस बैंक के साथ देना बैंक और विजया बैंक को मिला दिया गया था, बताएं जल्दी से। क्या पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, या बैंक ऑफ इंडिया के साथ? किसके साथ इन दोनों बैंकों को मिलाया गया था, देना बैंक को, विजया बैंक को? नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ इंडिया? बढ़िया दोस्तों, बढ़िया, सही आंसर है, सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी लोगों ने, बैंक ऑफ बड़ौदा। बिल्कुल, बैंक ऑफ बड़ौदा को ही के साथ ही मिलाया गया था देना बैंक और विजय बैंक को दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2018, यानी अक्टूबर 2018 तक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन था? क्या वो अजय कुमार कपूर थे, क्या मनोज मित्तल थे, बदरुद्दीन अजमली थे, या मोहम्मद मुस्तफा? सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है अक्टूबर 2018 तक? जी बिल्कुल अमोल जी, बिल्कुल सही बताया आपने, 2018 तक कौन थे, तो कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया मुस्तफा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टुक ओवर द इंडिया ऑन 3 अक्टूबर 2018, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया और 3 अक्टूबर 2018 से कार्यभार संभाला, यानी उस समय के मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं मेरे भाई। खैर अब तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि उस समय के मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं 2018 के, लेकिन फिर भी जब पूछे गए थे तो मैंने आपको बताया। सही आंसर देखिए इसका तो रंजन गोगोई है, 2018 में रंजन गोगोई थे। मुझे बताइए कि इस समय कौन है, वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश हमारे रिटायर हुए हैं और नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, कौन है वो? बिल्कुल बिल्कुल सिक्सन किंग, बहुत बढ़िया, एनवी रमन्ना, बिल्कुल सही बताया एनवी रमन्ना, तेजस फाइटर जी, एनवी रमन्ना बिल्कुल सही है, जो इस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन से नंबर के हैं ये, कौन से नंबर के हैं ये बताइए, क्या 46 में है, 47 में है, 48 में है, कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन्ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डिंपल सिंपल, तुषार तिवारी, अमोल जी, सभी के आंसर मिल रहे हैं, लेकिन 48 सही आंसर है। ठीक है ना, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके 48 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है हमारे एनवी रमन्ना, यानी 48 में मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, बढ़िया। आगे अगर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ बहमनी सल्तनत, यानी निम्न में से बहमनी सल्तनत की राजधानी क्या थी, गोलकुंडा, बुरारो, गुलबर्ग, या बेल्लारी? बहमनी सल्तनत की राजधानी क्या थी दोस्तों,
गोलकुंडा, बोरारो, गुलबर्ग या बेल्लारी। तो बताएं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों है यहाँ पे गुलबर्ग। बहमनी सल्तनत की राजधानी होती वो गुलबर्ग थी, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है, क्या वो कृष्णा है, गोदावरी है, लूनी है या फिर वो साबरमती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में दोस्तों बहती है, तेजी से मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए, कौन सी है वो नदी जो अरब सागर में दोस्तों बहती है, कृष्णा, गोदावरी, लूनी या फिर साबरमती। बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, साबरमती इज द राइट आंसर। साबरमती जो है वो अरब में गिरती है, बाकी कृष्णा, गोदावरी और लूनी जो है ये तीनों जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। इसमें से कृष्णा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है और लूनी नदी जो है वो रेगिस्तान में ही कहीं विस्मृत हो जाती है, यानी वहीं पे कहीं पे खो जाती है। ठीक है, सही आंसर है साबरमती जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। बिल्कुल तेजस्वी, बिल्कुल लूनी जो है वो रण ऑफ कच्छ में जाती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला देखिए, अगला देखिए, घर्षण बल हमेशा लागू बल का कैसा होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाइड फोर्स कैसा होता है, क्या अप्लाइड फोर्स में जुड़ जाता है, क्या अप्लाइड फोर्स का विरोध करता है, क्या उसे परावर्तित करता है या उसे नष्ट करता है, यानी जो घर्षण बल होता है ये क्या करता है, क्या ये जो बल लगाया गया उसके विरोध में काम करता है, क्या उसके साथ जुड़ जाता है, क्या उसे परावर्तित करता है या उसे संचरित करता है। भाई सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, शंकर भाई जी, हरिवर्धन जी, प्रशासन जी, अमोल जी, सुभाष चौहान जी, शशिधर जी, शारदा वाघमारे, तुषार तिवारी, अनिता ठाकुर, देवेंद्र पाल, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, सही आंसर है अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा अपोज करता है, हमेशा विरोध करता है, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए, वाइल कनेक्टिंग एन एलईडी टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी एक एलईडी को जब सर्किट में जोड़ा जाता है तो लंबी लीड हमेशा बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ी जाती है, जो लीड होती है लंबी उसे कौन से टर्मिनल से जोड़ते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, नेचुरल या इक्वल, कौन से टर्मिनल से उसे जोड़ा जाएगा, लंबी वाली लीड को, एलईडी की लंबी लीड को कौन से टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव। दोस्तों बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है ऋणात्मक, देखिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऋणात्मक, ऋणात्मक से ही जोड़ा जाएगा, निगेटिव बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट आर द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर यूनेस्को साइट लोकेटेड, यानी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, भीमबेटका की जो चट्टाने हैं वो कौन से राज्य में है, कर्नाटक, आंध्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। सभी को इसका आंसर मालूम है, सभी को इसका आंसर मालूम है और सही हो रहा है इसका आंसर, सुंदर दोस्तों, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है, मध्य प्रदेश सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की चट्टाने दोस्तों, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है भीमबेटका मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन होस्टेड द एशिया कप 2018 क्रिकेट टूर्नामेंट, निम्न में से किस देश ने एशिया कप 2018 क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, क्या वो बांग्लादेश था, श्रीलंका था, संयुक्त अरब अमीरात था या फिर वो पाकिस्तान था। 2018 में एशिया कप की मेजबानी किसने की थी, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसान है, संयुक्त अरब अमीरात, हम सभी को मालूम है 2018 में यूएई ने एशिया कप की मेजबानी की थी, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड द यूएसडी 525 मिलियन फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, यानी किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 525 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, इसका आंसर मुझे तेजी से आप लोग बताइए, किसने मंजूरी दी थी 525 मिलियन डॉलर के ऋण की। सही आंसर दोस्तों है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ही 525 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, तो इसका मतलब सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों, ठीक है ना। पढ़ेंगे दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में एशिया खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय इंडिया एट द एशियन गेम। देखिए 2018 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे तो करंट के बनेंगे, ठीक है। तो 2018 में हमने 69 पदक जीते थे, लेकिन अभी के एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट इतना नहीं रह गया दोस्तों, ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना है, हमारे एग्जाम में केवल वही क्वेश्चन बनते हैं जो करंट के हो, ठीक है। पुराने क्वेश्चन में आपको क्योंकि पेपर पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक है ये अ हाउस फॉर मिनिस्टर विश्वास, ये किसने लिखी है? वीएस नायपॉल, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या अरविंद अडिगा? किसने लिखी है पुस्तक, तेजी से बताइए। वीएस नायपॉल, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या अरविंद अडिगा, किसने लिखी है पुस्तक? बहुत बढ़िया, सही आंसर देखें भाई, सही आंसर है वीएस नायपॉल, नायपॉल ने ही लिखी है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अभी हमने यूरेनियम का देखा था, अब देख रहे हैं हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या वो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या फिर वो मध्य प्रदेश है? बिल्कुल जितेंद्र जी, आज हम लोग रेलवे हिस्ट्री देखने वाले हैं, आज 3:30 बजे जो अपना यूट्यूब पर सेशन होने वाला है उस सेशन में हम लोग रेलवे की हिस्ट्री ही देखने वाले हैं जितेंद्र प्रसाद जी, उसमें हिस्ट्री ही देखने वाले हैं हम लोग, रेलवे की हिस्ट्री, ठीक है। चलिए सही आंसर है, सही आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है, मध्य प्रदेश है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक। आगे बढ़िए, निम्न में से किसने 2018 यूएस ओपन पुरुष एकल चैंपियनशिप जीती? निम्न में से किसने 2018 में यूएस ओपन पुरुष एकल चैंपियनशिप जीती थी? बहुत बढ़िया दोस्तों, सही आंसर दे रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल 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 आंसर सही है, नोवाक जोकोविच। देवेंद्र पाल जी निश्चित रहिए, आप निश्चिंत रहिए, हिंदी में ही लेक्चर होगा, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेक्चर होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, अगला देखिए, राज्यसभा का मेंबर कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? क्या 5 वर्ष के लिए, क्या 6 वर्ष के लिए, क्या लोकसभा का 3 वर्ष के लिए, या लोकसभा का 4 वर्ष के लिए? इनमें से कौन से शब्द हैं जो यहां पर भरे जा सकते हैं? राज्यसभा का मेंबर 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, या राज्यसभा का मेंबर 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, क्या लोकसभा का 3 वर्ष के लिए, या लोकसभा का 4 वर्ष के लिए? कौन सा होगा सही, सही आंसर बताइए। उमेश चंद्र जी, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी, देवेंद्र पाल जी, तुषार अवस्थी, तुषार तिवारी, सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं। हरिवर्धन जी, शंकर जी, बढ़िया, अमोल जी, बहुत बढ़िया, श्रुति जी, अनिता ठाकुर, कुमार दीपक, सभी के मुझे मिल रहे हैं, बढ़िया दोस्तों, देखते हैं सही आंसर। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा का 6 वर्ष, राज्यसभा के मेंबर्स को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कैप्ड क्रिकेटर इन द वुमेन्स ओडीआई, यानी महिला वनडे में सर्वाधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? यानी किस महिला ने वनडे में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? अब ये बताइए जल्दी से, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत या शिखा पांडे? सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, मिताली राज ही वो महिला क्रिकेटर है जिन्होंने सबसे नाम किया, ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड वनडे में। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटी, यानी कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हित के रक्षा के बात कहता है? क्या वो 42 है, 29 है, 18 है या 24 है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की बात करता है दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर देखिए, सही आंसर है मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 29 में ही अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, यानी कौन से शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? पहला कारखाना किस जगह पे स्थापित किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? कोचीन, कलकत्ता, कालीकट या सूरत? बताएंगे इसका आंसर, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया, सही आंसर देखिए, सही आंसर है दोस्तों सूरत, सूरत में ही पहला कारखाना स्थापित किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर दे दिया है दोस्तों सभी लोगों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 18 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किए गए स्वदेश निर्मित पेट्रोल पोत का नाम क्या है? स्वदेश निर्मित पेट्रोल पोत का नाम क्या है सितंबर 2018 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो कमीशन किया गया है? कौन सा पोत है, कौन सा वो व्हीकल है, कौन सा कोस्ट गार्ड का व्हीकल है जिसको अभी 2018 में भारतीय तटरक्षक बलों ने निकाला है? क्या वो ICGS विक्रम है, क्या वो सम्राट है, विजय है या समर्थ है? किसको ड्यूटी पर तैनात किया है?
जी बिल्कुल 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 सही आंसर। देखिए सही आंसर है आईजीएस विजय, बिल्कुल सही बात है। आईजीएस विजय जो है यही जो है वो कमीशन किया गया था भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, अगला, मनुष्य में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अब ये बताइए मनुष्य में ध्वनि जो है वो किसके द्वारा होती है उत्पन्न? क्या वो एपिग्लॉटिस है, क्या वो लिरिंक्स है, ट्रेका है, या फिर वो वेलकुला है? किसके द्वारा स्थापित होती है मनुष्य में ध्वनि? बताएंगे इसका आंसर मुझे तेजी से। तो दोस्तों सही आंसर है कंठ, यानी लिरनेक्स द्वारा ही मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। बिल्कुल सही आंसर है लिरनेक्स। ठीक है आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, स्पीकर द्वारा लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? यानी हु हैज बीन रीनॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा? इथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा के स्पीकर ने किसको जो है वो नियुक्त किया है? नितिन गडकरी को, शांता कुमार को, मुरली मनोहर को, या लाल कृष्ण आडवाणी को? किसको दोबारा से पुनर्नामित किया गया था? तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सही आंसर दोस्तों है यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों बिल्कुल बढ़िया, लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूं फिर से, जो भी लोग नए हैं वो एक बार ध्यान कर लें। देखिए टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए शुरू की है मास्टर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक क्लासेस पे अब आपको मास्टर क्लासेस का भी मजा मिलेगा दोस्तों। यहां पर भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही है अपने textbook.com ने। यूट्यूब पर तो आपको काफी कंटेंट प्रोवाइड कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन साथ ही साथ अब आपके एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए और आपकी तैयारी को और जबरदस्त करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक मास्टर क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर textbook.com की साइट पर आपको जाना होगा, जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और पूरा कॉन्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप लोग YouTube पर textbook.com के चैनल पर फ्री में वीडियो देखते हैं और मुफ्त में ज्ञान को अर्जित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी सहायता के लिए, आपके विकास के लिए और आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए textbook.com की एप्लीकेशन पर भी आपको फ्री में क्लासेस अवेलेबल होंगी दोस्तों। आपको करना ये textbook.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर मास्टर क्लासेस में जाकर मास्टर क्लास को ले लेना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो भी लोग यहां पर हैं जो YouTube पर फ्री में क्लासेस को ले रहे हैं वो textbook.com की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें और वहां पर भी जाकर जो है वो फ्री में इन क्लासेस का आनंद लें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी पर लेटेस्ट कॉन्टेंट और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट जो है उसका फायदा ले लीजिए दोस्तों। textbook.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से फ्री में मास्टर क्लासेस को एक्सेस करिए दोस्तों, और ये हमेशा ही फ्री रहेंगे दोस्तों। इसका मतलब यही है कि ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ दिनों के लिए फ्री है, ये हमेशा ही फ्री रहेंगे दोस्तों। जैसे YouTube पर हमेशा फ्री रहती है, ऐसे ही ये एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आपके जो भी दोस्त हैं जो कोर्स नहीं ले पा रहे हैं अभी या दूर बैठे हैं कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनको मास्टर क्लास के लिए बोलिए, वो मास्टर क्लास में आके जो है वो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अपने सभी वीडियोस को। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मेरी एक मास्टर क्लास होने वाली है जो दोपहर में 2 बजे होनी है दोस्तों। जी हाँ, दोपहर में 2 बजे आज मेरी एक मास्टर क्लास होनी है, मैं एक मास्टर क्लास वहां पे लेने वाला हूं और टॉपिक रहेगा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यानी जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, जितनी भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुई थी हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में, उन सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो अलीपुर बम केस हो, चाहे वो लाहौर षड्यंत्र हो, चाहे वो काकोरी कांड हो, चाहे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो, या फिर वो बारिंद्र कुमार घोष या वीर सावरकर हो, या मित्र मेला और अभिनव भारत हो, इन सब चीजों के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। 2 बजे क्लास होगी, तो उस क्लास में जरूर मेरे भाई उसको अटेंड करें और जरूर वहां पर अपने प्रेजेंस को देखें, ताकि वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और कॉन्टेंट आपका तैयार हो सके एक्टिविटीज का। मेरे भाई लोगों, ये क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं ये इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भर भर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दोस्तों आते हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल देवेंद्र जी, ऐप में ही मिल जाएगा, ठीक है, ऐप में ही आपको मिल जाएगा बिल्कुल। एप्लीकेशन को बस आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया,
साथ में आपको मालूम ही है, अगर टेक्स्ट बुक में कोई बैच आपको लेना है तो बैच में तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना ही है जिसकी पट्टी नीचे घूम रही है शुभम ए। जब भी आप टेक्स्ट बुक पर कोई बैच लें तो उस कोड का इस्तेमाल करें जो आपको दिलाएगा 20% का डिस्काउंट। इसकी इन्फॉर्मेशन पहले दे चुका हूं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये अपनी आज की क्लास थी जो मैंने आपको बताई है। अभी कल मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास में, और आज मिलेंगे पहले 2 बजे मिलेंगे मास्टर क्लास में textbook.com की एप्लीकेशन पर, और 3:30 बजे मिलेंगे इसी चैनल पर textbook.com के DFCCILKYT में, ठीक है ना। हम लोग YouTube पर मिलेंगे 3:30 बजे आज, और textbook.com की एप्लीकेशन मिलेंगे 2 बजे दोस्तों, ठीक है ना। तो भूलिएगा मत, और दोनों जगह पहुंचेगा 2 बजे textbook.com की मास्टर क्लास में, और 3:30 बजे youtube.com पे, YouTube पर हमारे इस चैनल पर लोग, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद दोबारा से 2 बजे और 3:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।